जिस तीन मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज को बांग्लादेश की प्रैक्टिस सीरीज समझा जा रहा था वर्ल्ड T20 से पहले यूएस के अंदर, यूएस के अगेंस्ट, वो प्रैक्टिस सीरीज साबित होगी, लग ऐसे रहा है यूएस के लिए। बांग्लादेश वालों के साथ ना वो जो होता है ना कि प्रैंक के, वो सामने कैमरा लगा है, देखकर जरा हाथ हिला दे, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया है। बांग्लादेश के साथ वो नहीं हुआ। बांग्लादेश के साथ पता क्या हुआ है, बांग्लादेश के साथ इस तरह हुआ है कि लड़की गुंडों में फंसी भी हो और वो गुंडों को कहे कि पीछे हट जाओ वरना मैं नीली को बुलाऊंगी, तो गुंडों को ये लगता है कि नीली ये इसकी कोई दोस्ती होगी, चलो अच्छी बात है, एक नहीं तो दो सही। लेकिन जब वो नीली को आवाज मारती है लड़की, तो वो नीली बेसिकली निकलता है NILE, नाइल दूष, वो आकर गुंडों की लगा देता है फेंटी, वो भी जिसे कहते हैं तसल्ली के साथ। बांग्लादेश के साथ तो यकीन करें, अब क्या एग्जांपल दूं, ये वही वाला काम है, हेलो किधर है, मैं यार घर पर हूँ, जल्दी आ जा, फड्डा हो गया। आप अपने दोस्त को बचाने के लिए पहुंचते हैं, ये भी नहीं पूछते कितने लड़के हैं, उनके हाथ में क्या है, क्या करेंगे वो, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, यहाँ पर चलो 4 घंटे बाद, आप भी अपनी हड्डियाँ शड़ियाँ तुड़वा कर पड़े होते हैं किसी अस्पताल के बेड के ऊपर। बांग्लादेश के साथ भी वही हुआ। सर क्या सूता है, यूएस वाले जो है ना, यूएस की टीम, इन्होंने मैच आखिरी 4 के 4-5 ओवर्स में जीता है, टोटल 4-5 ओवर्स में। वो एक पंजाबी पड़ गया बांग्लादेश वालों को, यूएस का वो पंजाबी पड़ गया, उसने सारे के सारे मैच का ना धड़न तख्ता कर दिया विद द बैट, छक्के मारे उसने ऐसे, सर उसने 2 छक्के जो मारे हैं ना फिज को, आपकी सोच है, मतलब मैंने तो देखा है, एक तो मारा सीधा, एक मारा इधर लेग साइड मिड ऑन वाली साइड पे, उस सिंह साहब ने ना ऐसी चस कराई है ना, सही पंजाबी स्टाइल, हरमीत सिंह उनका नाम है। चलो मोटा मोटा तुम्हें मैच की भी बताता हूँ। बांग्लादेश ने किए 153 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बांग्लादेश वाले भी हमें शुरू में स्टार्ट थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसके बाद अजीब बाड़ा तिरछा खेल रहे थे। 2-3 ओवरों में तकरीबन 10 के रनर से जा रहे थे, ऐसा लग रहा था पावर प्ले अच्छा लगा जाएंगे। वो लिटन दास उसने मारे 1-2 बाउंड्रीज, तो ऐसे लग रहा था कि वो ठीक स्टार्ट कर जाएंगे। उसने 14 किए 15 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका। अच्छा सोमिया सरकार ये भी ठीक जा रहा था, 20 किए 13 गेंदों के ऊपर, 3 चौके। लिटन दास साहब, वो इसका जसदीप, उसका इन कटर पड़ा, उसे समझ ही नहीं आया, पैड पे लगा LBW। लिटन दास, सोमिया सरकार ने मारी लेग साइड के ऊपर शॉट, सीधा फील्डर के हाथों में। अच्छा उसके बाद शांटू वो जनाब स्टंप आउट हो गया 3 के ऊपर, 11 गेंदें खेली 3 रन बनाए। कप्तान साहब ने इतना आगे निकल गया, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था उसके पास। और उसको टेलर, उनका राइट आर्म ऑफ स्पिनर है यूएस का, ठीक है, उसने जनाब स्टंप कर दिया। सोमिया सरकार को भी उसी ने आउट किया। अच्छा जी उसके बाद हिरदोई ये अच्छा खेला, इसने 58 किए 47 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट कम सा है 123 का, लेकिन अब क्या ही कर लेता, स्ट्राइक रेट इसी तरह ही होता है ना। शकीबुल हसन वो रन आउट हो गए साहब, 6 रन बनाए 12 गेंदों के ऊपर, वो अन्य वाह निकल गए, अन्य वाह, मतलब जिसे कहते हैं ना सिर ना पैर ना कॉल ना कुछ, खड़ा। अच्छा उसके इन अ वे कि वो उससे गलती ये भी हुई कि ये अगर थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेट कर लेते तो खैर अब हो गया रन आउट, अब क्या कितनी ही बात करें छोड़ो। उसके बाद महमूदुल्ला 31 किए 22 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। महमूदुल्ला भी अच्छा खेला है, लेकिन बस वो एंड पर उसने जो छक्के मारने थे मार लिए, उसके बाद तो फिर उसने आउट होना ही था, क्योंकि वो भी ज़रा बड़ी शॉटों की ट्राई कर रहा था ना एंड पर, ज़रा ज़्यादा ज़्यादा स्कोर बन जाए। तो इवेंचुअली बांग्लादेश ने किए 153 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। कम स्कोर था 7.65 का रन रेट, कुछ ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग जो की ना यूएस ने वो सुने ज़रा, सौरभ इनका स्टार्टर 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, अली खान 4 ओवर 49 रन 1 विकेट। अली खान से ज़्यादा उम्मीदें थी वैसे इनको, अली खान को आज पहले मैच में थोड़ी मार पड़ी है, बट चलो कोई नहीं। उसके बाद जेसी सिंह 3 ओवर 1 मैडन 30 रन 1 विकेट, स्टीवन टेलर 3 ओवरों में 9 रन 2 विकेट्स। टेलर तो भाई साहब, टेलर इनसे वो नहीं खेला जा रहा था, टेलर हालांकि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, मुझे लगा कि एटलीस्ट इनके वो सीधे खेलने वाले सीधे हाथ से राइट हैंडर बैटर, वो तो उसको काउंटर कर लेंगे, सर सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा लग रहा था बांग्लादेश को शायद इसकी गेंद नज़र ही नहीं आ रही, पेस भी कोई नहीं, ऐसा नहीं है ना 150-60 की गेंद, ना राइट आर्म स्पिनर है सर,
ऑफ ब्रेकर, ऑफ स्पिनर खा गया वो, तीन ओवरों में 9 रन, अंदाजा करो 2 विकेटें भी ले गया वो ऊपर उसकी सरकार की, और उसके बाद जो वन डाउन था। अच्छा शांटू, कोरी एंडरसन 2 ओवरों में 10 रन, हरमीत सिंह जिसने छक्के लगाए एंड पर आकर 4 ओवर में 27 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा जी, यूनाइटेड यूएस वालों ने करना था 154, उनका ये टेलर, इसने ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक करता है, लेफ्ट हैंडर ये बैटर है। अच्छा, इसने ऊपर 28 किए 29 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का। मोनक पटेल कैप्टन इनका, वो उसने 12 किए उसके बाद। अच्छा ये बेचारा रन आउट वो हो गया ना, जिसे कहते हैं बड़ा अनलकी सा, वही इसने शॉट मारी टेलर ने, स्ट्रेट ड्राइव नहीं होती और अच्छी शॉट थी, बस वो शरीफुल था बॉलर, उसके हाथ से लगी स्टंप्स में चली गई, तो ये मोनक इस तरीके से रन आउट हो गया। खैर, उसके बाद एंड्रियस, उसने 23 किए 18 गेंदों के ऊपर, 4 चौके। जोन्स उसने 4 किए 12 गेंदें खेलकर। नितेश कुमार उसने 10 किए। फिर कोरे एंडरसन और हरमीत सिंह आए। कोरे एंडरसन ने किए 34-25 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के लगाए, 136 का स्ट्राइक रेट। हरमीत सिंह 33 किए 13 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के। इसने जल 253 के स्ट्राइक रेट से आग करना जो आखिरी 5 ओवरों में कूटा है ना, उससे मैच जो है वो यूएस वाले ले गए, क्योंकि यूएस को आखिरी 5 ओवरों में 60 रन चाहिए थे, 60 रन, और 4 ओवरों में मेरा ख्याल है कुछ से कुछ रन कम होंगे, लेकिन इनको 5 ओवरों में 60 रन चाहिए थे। 12 में इन्होंने रन रेट अचीव किया है आखिरी 5 ओवरों में। अच्छा, इनकी बॉलिंग, अब वो ऑब्वियस ही बात है कि लो स्कोरिंग मैच था, तो मार कोई बांग्लादेश के बॉलर्स को भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। मिसाल के तौर के ऊपर महमूदुल्ला 2.3 ओवर्स 20 रन, इसकी 8 की इकोनमी। शरीफुल उसने 4 ओवरों में 31 रन दिए, 1 विकेट ली। मेहदी हसन 4 ओवर्स 27 रन। शकीब अल हसन 3 ओवरों में 16 रन। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर्स 41 रन, 2 विकेट्स। फिज भी ठीक ही कर गया, लेकिन फिज को ये जो 2 छक्के पड़ गए ना, वो उसको महंगे पड़ गए हरमीत सिंह के बल्ले से ना, और छक्के हरमीत ने बहुत ज़बरदस्त मारे थे, लिटरली वाह कमाल। अच्छा, उसके बाद रिशद हुसैन 2 ओवरों में 16 रन। सर ये टोटल कहानी है, 5 विकेटों से जीत गए हैं अपना यूएस वाले पहला T20 इंटरनेशनल। 2 रह गए हैं, ह्यूस्टन में ही हैं, इसी जगह के ऊपर हैं, तो अब देखते हैं कि आखिरी 2 में बांग्लादेश जीत पाता है या नहीं। पहले मैच के बाद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा, यूएस वालों ने बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी है। इन एक्सपीरियंस उनका कुछ जगहों के ऊपर नज़र आया बैटिंग में, मतलब वो उस तरीके से ना पावर प्ले का फ़ायदा उठा सके, हालांकि लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था। पिच मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि जैसे कहते हैं कोई डीमंस शीमंस वाली समथिंग, एक T20 के हिसाब से एक ठीक पिच थी, तो उसके ऊपर दोनों टीमें कोई खास नहीं कर सकें, तो चलो देखते हैं अगले 2 मैचेस में क्या करते हैं। बाकी बांग्लादेश वालों को ना पहले मैच में तो यूएस वालों ने ना वो जैसे कहते हैं ना शेर, कागज़ का शेर बनाकर ना घुटनों के बीच में देकर कूटा है। तो आई रियली होप कि बांग्लादेश अब कम बैक करे और अगले 2 मैच जीते और साथ ही सीरीज जीते और एक विनिंग जिसे कहते हैं ना मोमेंटम लेकर वर्ल्ड T20 के अंदर एंटर करे। लेट्स सी, इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।